गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी के रिवाइज सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने कुछ रिलैक्सेशन दी है, किन किन टॉपिक को आपको नहीं करना और किन को करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पार्ट वन में चैप्टर आपका है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, देर इज़ नो चेंज, कंप्लीट आपको करना है। फंडामेंटल देर इज़ नो चेंज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देर इज़ नो चेंज। एडमिशन ऑफ पार्टनर देर आर टू चेंजेस, फर्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बोथ टॉपिक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं करने। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ लोन, अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, दीज टॉपिक्स विल बी डिडक्टेड ऑल्सो, तो आपको ये टॉपिक भी नहीं करने, बाकी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ पार्टनर, नेक्स्ट चैप्टर इज डेथ ऑफ पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ डिसीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये टॉपिक भी आपको नहीं करना, इट ऑल्सो डिडक्टेड ऑफ चैप्टर नंबर डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देर इज़ नो चेंज, आपको कंप्लीट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज पार्ट टू में हमारे आते हैं कंपनी अकाउंट आती है, तो कंपनी अकाउंट में आपका इश्यू ऑफ शेयर्स देर इज़ नो चेंज, आपको इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीट करना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड, यू हैव टू डू इट। एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर देर आर सम चेंजेस, लमसम मेथड एंड ड्रॉ फॉर लोट्स, ये दो टॉपिक हैं जो आपको नहीं करना, रिडक्शन मिल चुकी है इसमें, आई थिंक इट्स हेल्प फॉर यू, मोस्टली सिलेबस में कुछ डिडक्शन हो गई है, इट्स अ थोड़ा ये थोड़ा सा टॉपिक क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, बट डोंट वरी, इट विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड, देखिए आपके पास कंप्यूटर की बुक होती है या फिर आप उसको चूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, देर इज़ नो चेंज, आपको ये कम्प्लीट बुक करनी है जो भी इसके चैप्टर्स हैं सारे, ठीक है। लास्ट इज प्रोजेक्ट वर्क फॉर सेशन 2020-21 ऑनवर्ड, देयर वुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू बी प्रिपेयर, आपको बहुत सारे मतलब कि तीन चार प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, एक ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा स्पेसिफिक, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में हमें रिडक्शन मिली है, और बाकी जो जिसमें रिडक्शन नहीं मिली है वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।